मामले को लेकर आप लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं किसान यूनियन के लोग? देखिए, हम लोगों का यहाँ पे एक सूत्री मांग है। यहाँ यह गन्ना ग्रोवर एरिया है। यहाँ पे खलीलाबाद में एक पुरानी चीनी मिल थी, जिसमें पूर्ववर्ती सरकार के उदासीनता के कारण से वो चीनी मिल बंद हो गई। आज भी यह परिसर उस चीज़ का गवाह है। उसके लिए यहाँ के किसानों ने अब ये ठान लिया है कि जो वर्तमान सरकार है, इन्होंने भी अपने चुनावी एजेंडे में चुनाव के दौरान घोषणा किया था, हमारी सरकार बनेगी तो हम खलीलाबाद में एक चीनी मिल का निर्माण करेंगे। लेकिन सरकार जाने का समय आ गया है, सरकार अभी भी उदासीन है। हम लोग इस मुद्दे को इसलिए लेकर के आए हैं, अभी समय महीना दो महीने का समय है, सरकार चेत ले, नहीं खलीलाबाद से निश्चित रूप से यहाँ के किसानों ने, अगर चीनी मिल की घोषणा सरकार नहीं करती है, चीनी मिल नहीं बनवाती है, तो यहाँ के किसानों ने ये तय कर लिया है कि सरकार के खिलाफ वो अपना निर्णय लेंगे और चुनाव में उनको एक अच्छा सबक देंगे। अगर आप लोगों की मांगे नहीं पूरी हुई तो आगे क्या रणनीति होगी? देखिए, हम लोगों ने अभी क्षेत्र में भ्रमण किए हैं। भ्रमण के दौरान में किसानों में जागरूकता आ रही है। किसानों ने तय कर लिया है कि अगर हमारी मांगे नहीं पूरी की जाती हैं तो हम अनवरत धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। किसानों के पास अपनी बातें सड़क पे मनवाने के लिए हमारा अभी कोई प्रतिनिधि सदन में नहीं है। हम सदन के लोगों से अनुरोध करते हैं, विनय करते हैं, और इसका एक जीता जागता उदाहरण है कि हमने तो 13 महीने तक संघर्ष करके दो देश की गूंगी और बैरी सरकार थी उसको अपना, जिस MSP कानून को सरकार कहती थी कि ये किसान हित में है, लास्ट में 13 महीने बाद जब 750 किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी तो सरकार चेती कि किसानों का मांग जायज है, हमारा फैसला नाजायज है, और पुनः 29 तारीख को पिछले महीने में सरकार ने सदन के माध्यम से MSP कानून को वापस लिया। उसी तर्ज पे हम लोग खलीलाबाद में भी आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। क्या नाम है आपका? रामकिशन सिंह, मंडल अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन, गोरखपुर से मैं चल करके आया हूँ। जिला अध्यक्ष जगदीश भाई को जगाने के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान साथी।